राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली महिला आयोग ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। सीएम ने इस कार्यक्रम को संबोधित भी किया। जरा देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। डीसीडब्ल्यू के कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम केजरीवाल। दिल्ली महिला आयोग से सीखे राष्ट्रीय आयोग। महिलाओं को बराबर के अवसर देने की जरूरत। दुनिया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रही है। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली महिला आयोग की खूब प्रशंसा की। सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग के कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली महिला आयोग आज देश के लिए मिसाल बन गई है। राष्ट्रीय महिला आयोग को दिल्ली महिला आयोग से सीखना चाहिए कि कैसे काम किया जाता है। आयोग ने दिल्ली की हर महिला के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा की है। कार्यक्रम में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने संबोधन में कहा कि महिलाओं को कुछ खास नहीं चाहिए, वे सिर्फ समानता चाहती हैं। हमारी सरकार बनने से पहले दिल्ली महिला आयोग ने 10 साल में केवल एक केस किया था, लेकिन स्वाति मालीवाल के अध्यक्ष बनने के बाद 5 साल में ही 1,25,000 केस किए हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग को दिल्ली महिला आयोग से सीखना चाहिए। सुरक्षा के लिए हम लोगों ने कई सारे कदम उठाए। सबसे बड़ा कदम तो भाई दिल्ली महिला आयोग को जितना हम सशक्त कर सकते थे अपनी तरफ से सशक्त कर रहे हैं, ताकि दिल्ली महिला आयोग महिलाओं की रक्षा करे। दूसरा, पूरे दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। आज आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि पूरी देश नहीं, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, कोई अभी अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन में छपा था, वो पर स्क्वायर किलोमीटर कितने सीसीटीवी कैमरे, न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा, टोक्यो से भी ज़्यादा, लंदन से भी ज़्यादा, पेरिस से भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर हैं। और एक मात्र 3-4 साल के अंदर हुआ है, ढेरों सीसीटीवी कैमरे। इससे गलत काम करने वालों को डर लगता है कि अगर हम कोई गलत काम करेंगे तो पकड़े जाएंगे। अगर महिला है और उसके साथ कुछ अन्याय हो गया तो फोन उठाओ, 181 करो और स्वाति मालीवाल पहुंच जाएगी। तो मैं समझता हूं कि दिल्ली की लेडी सिंघम है ये। तो डीसीडब्ल्यू के कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आगे ये भी कहा कि हमेशा ही अखबार में हेडलाइन लिखी होती है कि लड़कियों ने एग्जाम में बाजी मारी। अगर लड़कियों को अपॉर्चुनिटीज मिले तो बहुत आगे जा सकती हैं। हमने ऐसी शिक्षा व्यवस्था बना दी है कि गरीब घर की लड़कियों को अच्छी शिक्षा मिल रही है। लड़कियों के लिए सशक्तिकरण ये है कि उन्हें अच्छी शिक्षा दी जाए। हर वर्ष जब 10वीं 12वीं के नतीजे आते हैं तो आप हेडलाइन देखते होंगे कि लड़कियों ने बाजी मारी। महिलाओं को बराबर के अवसर देने की जरूरत है। तो एक तरफ हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाओं को अवसर देने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर महिलाओं को अवसर दिया जाए। सबसे बड़ा उदाहरण है, जब स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, हर साल आप अखबारों की जब 10वीं और 12वीं के नतीजे आते हैं या कोई भी बोर्ड के या एंट्रेंस एग्जाम के नतीजे आते हैं, सबसे ऊपर क्या लिखा होता है? एक ही हेडलाइन हर साल दर साल होती है, महिलाओं ने और लड़कियों ने मारी बाजी। हर साल लड़कियां बाजी मार के ले जाती हैं। पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? कभी ऐसे पढ़ा है लड़कों ने मारी बाजी? कभी नहीं होता, हर साल लड़कियां ही बाजी मारती हैं। तो अगर बराबर के अवसर मिले तो लड़कियां हर चीज में बाजी मार के ले जाएंगी। इस मौके पर करीब 60 महिलाओं को सम्मानित किया गया जो महिलाओं के विषयों पर काम कर रही हैं। महिला दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य है महिलाओं को हर वो अधिकार प्रदान किए जाएं जो एक सामान्य नागरिक को दिए जाते हैं। भेदभाव ही उनके पीछे रहने की सबसे बड़ी वजह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।